शुक्ल ध्यान सबसे सर्वोत्तम ध्यान है। कोई भी साधक उच्च अवस्था तक पहुंचता है तो शुक्ल ध्यान होता है। हमारे अष्टांग योग में देखो, धारणा ध्यान समाधि ये अंतिम में लिए गए हैं। प्रेक्षा ध्यान को देखिए, जो हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य वो ध्यान है। और भगवान ने जो तप के 12 भेद बताए हैं उसके अंदर ध्यान को ऊंचा स्थान दिया गया, वह शुक्ल ध्यान की अवस्था है। शुक्ल ध्यान निर्विचारता की अवस्था है। शुक्ल ध्यान उसी को प्राप्त होता है जिसकी आत्म शुद्धि काफी हो चुकी है। शुक्ल ध्यान का संबंध प्योरिटी से है। और शुक्ल ध्यान करने वाला व्यक्ति अगोलेशिया ध्यान करता है, कलर का ध्यान करता है, तो उसको व्हाइट चमकने वाली व्हाइट रंग की जो है वो लेशियाओं का स्पर्श होता है। इस शुक्ल ध्यान जिनको सद जाता है और जिनको आता है तो समझना चाहिए कि हमारी आत्मा के अंदर जो काफ़ी शुद्धि हो गई है, आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की शुद्धि का जो है ये परिचायक है और ये सबसे अच्छा ध्यान है। ये साधक लोगों को आता है, ये पहुँचे हुए गुरुओं को आता है, ये पहुँचे हुए महापुरुषों को शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ये धीरे धीरे धर्म ध्यान करते करते व्यक्ति शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए हमें आर्त ध्यान रुद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान में प्रवृत्त होना चाहिए। तो धर्म ध्यान के अंदर हम प्रैक्टिस करते करते शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। और शुक्ल ध्यानी जब निर्विचारता की अवस्था के अंदर चला जाता है, उसके विचारों का तांता रुक जाता है, तो धीरे धीरे वो मुक्ति की ओर प्रयाण करता है। मुक्त होने वाले सभी को शुक्ल ध्यान आता है, केवल ज्ञानियों को शुक्ल ध्यान आता है।